अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे अपनों, मेरे प्यारों गाइस? सब ठीक है? अपने घरों में खैरियत से होंगे, उम्मीद तो है। तो आज पापा लेके आए थे बिरयानी, बड़ी यमी यमी। तो मैंने कहा आपका शेयर कर लेती हूँ। पापा बिरयानी लाए थे शहरी में और मम्मा ने बनाई थी रस मलाई। तो मैंने कहा आपका शेयर कर लेती हूँ, बड़ी यमी यमी है। तो शहरी हमने ये खा के की है। तो मैंने कहा अपने के साथ प्यारों के साथ शहरी भी का ब्लॉग भी शेयर कर लूँ, फिर अफ्तारी का भी करती हूँ। जैसे मैंने 11वीं आपके साथ अफ्तारी शेयर की थी, तो क्या कहते हैं, मैंने पुलाव बना ली थी। दिल कर रहा था, हम चावल बहुत शौक से खाते हैं रमज़ानों में तो और ज़्यादा, और वैसे आम दिनों में भी। हम चलते हैं अफ्तार वो शहरी में। फिर हमने और क्या क्या खाया, ये मिर्चों का दिल कर रहा था, तली हुई बैंगन आलू के साथ वो खा लिया। ऐसे दिल करता है ना ऐसी चीज़ों का, तो इसलिए। फिर हमने बिरयानी खाई अब शहरी में, तो अजीब सी क्या कह रही थी, घर पे भी थोड़ी सी खाई आई थी, फिर यहाँ भी घर आके भी शहरी की अपने हॉबी के साथ। तो बड़ी अच्छी थी बिरयानी। पापा जी आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो बहुत बहुत थैंक्स। पापा जी जानी मेरी बहुत ख्याल रखते हैं, माँ बाप शादी के बाद भी अपने बच्चों का, अनाया का तो बहुत ज़्यादा। अनाया की चीज़ें ख्याल रखते हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई कौन सी नहीं, और झूलों पे तो रोज़ाना लेके जाते हैं उसको झूले झुलाने। जब पापा मम्मा लाहौर गए थे मैं झूला रही थी, तो अब तो वो लेके जाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी फिर से चालू हो गई, शुरू हो गई। तो इसलिए पापा बिरयानी बड़ी यम्मी थी। मम्मा जी थैंक्स सो मच, आप लोग दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरी बहनें भी। तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छी रसमलाई थी और बिरयानी, और ये कचौरियाँ लेके आए हैं कीमे वाली, बड़ी यमी यमी होती है। और समोसा सिस्टर ने, एक ने कीमा बनाया था और एक ने ये समोसे बनाया भर के, जैसे मिल बांट के करते हैं काम। हमारे घर में तेरा मेरा नहीं होता, मिल बांट के ही करना चाहिए, पता भी नहीं चलता काम का। और ये हॉबी अभी थोड़ा सा रोज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, खुल जाए तो खाएंगे। तो खजूर, अब बस मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करके खजूर लेने जाती हूँ फ्रिज में से। तो लाइक शेयर करना ना भूलना, दुआओं में याद रखना, आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए।